अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जफार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब अर्शे अजीम की, जिसके इख्तियार में शम्स व कमर के अलावा दीगर तमाम सियारगान और तमाम कायनात का निज़ाम जो है मौजूद है। उस मुदब्बिर अल अमूर के फजल से तमाम कायनात का निज़ाम जो है वो चल रहा है। और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे, जो कि कायनात ने परवरदिगार का हम पर फजल है। और यही वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें परवरदिगार और कायनात के दीगर अमूर के बारे में बताया, वगरना हम ये नहीं जान सकते थे। मैं इस वक्त आपको ग्रहण जो हो रहा है 26 दिसंबर को, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है दो गुजारिशात करूँगा। एक ये कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अपने पास कोई कॉपी पेंसिल रख लें, क्योंकि अक्सर वही सवालात आते हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो में बताए जा चुके हुए हैं। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं शुरू कब हो रहा है, ख़त्म कब हो रहा है, कुल दौरानिया कितना है, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली जो चीज़ें हैं वो बताऊँगा कि ये किस किस बुर्ज वालों को किस तरह से खुदा नखास्ता मुतासर कर सकता है, और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ख़ास अमल, बहुत ही ख़ास अमल इस बार मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रहण जो है वो इज्तमाई सियारगान में है। आपने बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर देखी होंगी और उसको ग्रहण को बड़ा हैबतनाक बना के आपकी खिदमत में पेश किया गया होगा। ऐसा नहीं होता, हर ग्रहण जो है वो अपने असरात रखता है, कोई कम और कोई ज़्यादा। लेकिन जब आप उसके हिफाजत के लिए परवरदिगार के बताए हुए अमल पे जो है अमल पैरा होते हैं, तो फिर यकीन रखा करें कि आप उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको इंशाल्लाह ब्रेक कर लेंगे, ये आपके लिए फिर कोई मसला नहीं। देखिए, जब भी कोई अमल करें सबसे पहले तकय्युन करें, यकीन करें कि परवरदिगार आपको उससे ज़रूर महफूज करेगा, और फिर उसके बाद अमल करें तो उसकी कबूलियत। अगर आपने अमल भी किया और फिर शक व शुबे का में रहे, मुब्तला रहे, तो ये फिर आप ये समझ लें कि आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। वो बड़ी एक झटकी सी मिसाल है कि यकीन का अमल के पीर का अमल, तो समझदार लोगों ने कहा यकीन का अमल। तो परवरदिगार पे कामिल यकीन रखिएगा, और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं, उसके लिए मैं कुछ इस बार आपको ख़ास तस्बीहात बताने लगा हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, ताकि बार बार जो है वो एक चीज़ का रिप्लाई ना देना पड़े, और आपके लिए जो अहम तरीन चीज़ है उसको नोट कर लें, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि तमाम बुर्ज पे इसके साथ क्या होंगे, डिफरेंट से एरीज से लेके पाइसेस तक मैं आपको ये बताऊंगा। मैंने पिछली बार भी जो लास्ट वीडियो की थी इसी तरीके से आपको बताया था, बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने की कोशिश कर चुके, और मैंने तो इस बार बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब मेरे पास जो आने वाली फ़ोन कॉल्स थी, उन्होंने कहा जी कि लोगों ने तो दो दो तीन तीन महीने पहले वीडियो इस बारे में ड्रॉप कर दी हुई है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। तो मकसद आपको अवेयर करना है, अपने चैनल को सिर्फ प्रमोट करना मकसद नहीं है, इसलिए अब आपको दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए, लोगों तक लेट वीडियो ना पहुँचे, अब आपको देने लगूँ जबकि अब चंद दिन जो है वो पीछे बाकी हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट दो हफ्ते के करीब अब टाइम बाकी है, तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना होगा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। सदकात भी आपको बताए जाएंगे, इसमें नमाज कसूफ व खसूफ आपको बताई जाएगी, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं पेश खिदमत करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये ग्रहण रोज़ जुमेरात 26 दिसंबर सुबह 7:29:53 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है वो हो रहा है, और इसका नुक्ता अरूज जो है वो दिन 10:17:46 पे होगा, और इसका अख्ताम दोपहर 1:05:44 के मुताबिक है। ये इसका टोटल टाइम है, सुबह 7:29 पे शुरू होगा और दोपहर 1:05 पे ये जो है वो ख़त्म होगा, और इसका कुल दौरानिया जो है वो 5:35 बनेगा, तो सॉरी 5:35 बनेगा। तो जितने भी लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, दुनिया में बहुत जगह पे मेरा चैनल देखा जाता है, तो उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो अक्सर वो लोग पूछ रहे होते हैं कि जी हमें बता दें कि हमारे पास क्या टाइम है। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि आप पाकिस्तान से जितना प्लस में हैं या जितना माइनस में हैं उसको काउंट कीजिए, उस
वो टाइम आपके पास आगाज़ कर निकल आएगा। उसके बाद इसमें 5 घंटे और 35 मिनट जो है वो प्लस कर लें कुल दौरानिया, तो आपके पास इख्तिताम का टाइम निकल आएगा। मैं बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह ये बताऊँगा कि मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो इसकी टाइमिंग्स क्या हैं शुरू की, तो इख्तिताम आपने इसको ख़ुद कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है। 5 घंटे 35 मिनट शुरू के टाइम में ऐड कर लें तो आपके पास मतलूबा वक़्त जो है वो निकल आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रहणों की इस्लामी हैसियत भी कोई है। देखें, अगर इसकी कोई इस्लामी हैसियत ना हो तो फिर परवरदिगार की तरफ से इसके ऊपर वाजिब नमाज का हुक्म ना आया हो। इसके लिए वाजिब नमाज का हुक्म है जिसको कि नमाज कसूफ व खसूफ या नमाज आयात के नाम से भी याद किया जाता है। ये नमाज 2 रकत होती है। इसको पढ़ने का तरीका इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, एक पिक्चर की शक्ल में आपके पास इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। पिक्चर वीडियो को पॉज करके आप उसको पूरा नोट कर सकते हैं, या अगर आप अहलियत रखते हैं तो आप इंटरनेट पे ख़ुद भी उसको सर्च कर सकते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका आपको आसानी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पे जो कि शेख जवाहर रज़ा जावा और रज़ा जावा के नाम से दोनों पेजेस हैं, ऑफिशियल पेजेस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेक्शन में बिफोर टाइम नमाज आयात का तरीका आपके लिए जो है वो लगा दिया जाएगा ताकि आप बर वक्त उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा फिर भी अगर आप मज़ीद लेना चाहें तो फिर अपना नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड करवा दीजिए, इंशाल्लाह आपको पिक्चर की शक्ल में जो है ये नमाज का तरीका मिल जाएगा। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसके बचाव के लिए सदकात भी बताऊंगा और इसका तरीकाकार भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अक्सर लोग ये बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले एरीज़ वालों के ये 5वें और 10वें घर को मुतासर कर रहा है। 5वां घर आपका औलाद है, आपकी इनामी बॉन्ड, आपकी प्रेगनेंसी है, स्पेशली एरीज़ ख़वातीन को बहुत केयर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपका कैरियर रोज़गार है, आपकी मंगनी है, आपके लव अफेयर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है एरीज़ वालों की इसी से रिलेट करती हैं। आपका कैरियर रोज़गार, आपकी मदर इन लॉ, आपके वालिद, ये सब कुछ आपके 10वें घर से मुतल्लिक है। ये एरीज़ वालों के अंदर। टॉरस वालों के ये 4वें-9वें घर को मुतासिर कर रहा है। 4वें घर का हाकिम है और 9वें घर में इसको ग्रहण हो रहा है। 4वां घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी सवारी है, और आपकी वालदा हैं, आपका खानगी माहौल है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो जगह है। इसके अलावा 9th हाउस आपका जो है वो आपकी हायर एजुकेशन है, आपका स्पिरिचुअलिज़म है, आपका बैरून मुल्क सफ़र है, आपके वीज़े हैं, और आपकी ससुराली जो करब के साथ तल्लुकात हैं जो कि इस ग्रहण की वजह से खुदा नखास्ता मुतासर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप इसका बरवक्त सदका देंगे और बरवक्त आपने अगर नमाज पढ़ ली तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा मैं तमाम को बताता चलू जाऊँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं एरीज़ से स्टार्ट करता हूँ। एरीज़ वालों को सूरह अलज़ारियात आयत नंबर 58, सूरह अलज़ारियात आयत नंबर 58 एक तस्बीह कम अज़ कम जो है वो नमाज कसूफ व खसूफ के अलावा पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह टॉरस वालों को जो है सूरह यासीन आयत नंबर 9, जो भी आयत पढ़ें, जो भी कलाम पाक की सूरत पढ़ें, जो भी दुआ पढ़ें, उसके मानी पे ज़रूर गौर किया करें ताकि आपको प्रॉपर उसका जो है बेनिफिट मिल सके। सूरह यासीन आयत नंबर 9 ये टॉरस वालों के लिए है। जेमिनाइज़ के ये 3रे और 8वें घर को मुतासिर कर रहा है। 3रा घर आपके समाजी तल्लुकात हैं, आपके नज़दीकी सफ़र हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन है, आपके बहन भाई, आपके अजीज़ो कारब हैं। 8th हाउस सबसे अहम होता है, 8वें घर में इसको अबूत हो रहा है, तो 8वां घर जो है वो किसी भी जायचे का नाजुक तरीन घर होता है। मैं बस मुख्तसर इतने ही अल्फाज में आगे चला जाऊँगा। जो मेरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट मौजूद हैं वो ऑलरेडी इस बात को समझ गए होंगे क्योंकि 8वां घर क्या अहमियत रखता है। तो आपको स्पेशली मैं कहूँगा जेमिनाइज को कि इस दिन अगर आप सफ़र नज़दीकी से गुरेज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। स्पेशली ये जो सुबह 7:29 से लेकर 1:05 तक का टाइम है, इसमें आपको बहुत केयर करनी है। किसी भी किस्म के ट्रैवल से कतई तौर पे गुरेज कीजिए, ये आपके लिए बेहद अहम होगा और आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बर वक्त इसका सदका भी अदा करें और नमाज कसूफ व खसूफ भी ज़रूर पढ़िएगा। आपके लिए सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 फल्लाहो से शुरू होकर आखिर तक, ये आखिरी पार्ट है सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 का,
ये कम से कम एक तस्वीर, ज़्यादा जितना आपका दिल चाहे पढ़ सकते हैं। तो हिफ्ज़ो अमान के लिए स्पेशली है ये, आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। बुशरतान यानी कि कैंसर वालों के सेकंड और सेवन्थ हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस आपकी लोगों में अपेयरेंस है, लोग आपको कैसा जानते हैं, और आपकी वेल्थ है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके अखराजात हैं। इसके अलावा सेवन्थ हाउस आपके शराकती अजदवाजी ताल्लुकात हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनके लिए भी बहुत अहम, और जिनकी अभी होनी है, जिनकी तय पा चुकी हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपनी अजदवाजी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, अपनी शराकतदारियों को महफूज करने के लिए आपको बर वक्त जो है ये सब करना होगा। आपके लिए सूरह बकरा आयत नंबर 212, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा वल्ला है, ये आयत है, आप इसको देख सकेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 212, एक तस्बीह कम अज़ कम। इसके अलावा लियो, असद वालों के ये पहले घर का हाकिम है, यानी असेंडेंट का, इज़्ज़त वक़ार, आपकी गुफ्तगू, आपकी शख्सियत, ये और ये आपके छठे घर में हो रहा है, जो कि बहुत अहम आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपकी मुलाजमीन से मुतल्लिक है, सबसे अहम आपकी सेहत। तो छठे घर में इसको जो है वो ग्रहण हो रहा है, आपको मुलाजमत अपनी बचानी होगी, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। आपके लिए भी सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 पढ़ना ही बेहतर होगा। जैसा कि मैंने बताया ये हिफ्ज़ो अमान के लिए है, आपके लिए भी इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़िएगा। आखिरी पार्ट है फअल्लाहो से, आपने इसको शुरू करके एंड तक पढ़ना है, छोटी सी है, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम होगा, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। विरगो वालों के ये 12th हाउस का जो है वो लॉर्ड है, और 5th हाउस में इसको जो है वो ग्रहण हो रहा है। 12वां घर आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, इजाफी अखराज आते हैं, अचानक सडनली जो होने वाले हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है, आपकी इमिग्रेशन है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो आपका बैरून मुल्क क़याम जो है वो 12th हाउस से देखा जाता है। 5वां घर, जैसे मैं बता चुका, आपकी जो है मंगनी है, आपके बच्चे हैं, आपकी प्रेगनेंसी है, आपके इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना है, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, ये तमाम चीज़ें आपको जो है सिक्योर करनी है, और इसके लिए बर वक्त सदका देना और नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा। आपके लिए सूरह कमर की आयत नंबर 10 और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64, जो कि मैंने जेमिनाइज को भी बताई, और इसके अलावा मैं इससे इसके बाद लियो वालों को भी बता सॉरी जोजा वालों को मैंने बताई थी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64 ये, और सूरह कमर की आयत नंबर 10, ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी होगा। इसके बाद अगला लिब्रा है, लिब्रा के 11th हाउस का जो है उसका लॉर्ड है, और 4th हाउस में जो है इसको ग्रहण हो रहा है। 11th हाउस आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी खुशबख्ती है, आपकी लक है, आपके गेंस हैं, आपके कारोबारी फवायद जो हैं वो इससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे, और चौथा घर आपकी वालदा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी रहाइश की जगह, आपकी सवारी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं अगर आपने बर वक्त जो है वो सदका और नमाज अदा ना की। तो अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर इंशाल्लाह परवरदिगार के फजल से आप परवरदिगार की अमान में रहेंगे। आपके लिए भी सूरह यासीन की आयत नंबर 9, कम से कम एक तस्वीर पढ़ना बहुत ही बेहतर रहेगा। अगला स्कॉर्पियोज हैं, स्कॉर्पियोज के 10th हाउस कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक है, और आपकी मदर इन लॉ हैं, आपके फादर हैं, आपके वालिद हैं, उनसे मुतल्लिक है, आपके आगे आने वाली जो कैरियर पे जो आप काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे मुतल्लिक। और 3rd हाउस आपके नज़दीकी सफ़र हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन है, स्कॉर्पियन बच्चों के लिए है। इसके अलावा आपके बहन भाई, आपके नज़दीकी सफ़र, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस ग्रहण से खुदा ना खास्ता मुतासिर हो सकती हैं। आपके लिए एक दुआ है, बहुत खूबसूरत छोटी सी एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल मालिकुल कुद्दूस। ये आपने जो है कम से कम एक तस्वीर पढ़ लेनी है, परवरदिगार आपको इंशाल्लाह अपनी अमान में रखेगा। सेगिटेरियस वालों के लिए यानी कि बुर्ज कौस वालों के ये नामे और दूसरे घर को डिस्टर्ब कर रहा है। 9वां घर आपका बैरून मुल्क सफ़र है, स्पिरिचुअलिज्म है, रूहानी आपके मामलात हैं, आपकी मजहबी जो लगाव है उसकी तरफ है, आपकी हायर एजुकेशन है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके बैरून मुल्क सफ़र हैं, और इसके अलावा आपके ससुराली जो कर्ब हैं।
तो सोसाइटी तो आपके साथ तल्लुकात यूँ तो मेल फीमेल दोनों के लिए अहम होते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए कुछ ज़्यादा इसकी हमारे मुआशरे के मुताबिक जो है वो अहमियत होती है। तो इसको सिक्योर करने के लिए भी आपको दो रकअत नमाज अदा करनी है, नमाज कसूफ वसूफ सदका भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, और इसके अलावा आपको सूरह अलजारियात की आयत नंबर 58 आपको भी पढ़नी है। सूरह अलजारियात आयत नंबर 58 कलाम पाक में से आराम से आपको ये जो है मिल जाएगी। ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद इसको आप अरबी पढ़ना शुरू करें, ताकि जब आप ये पढ़ रहे हों तो आपके जहन में जो बैक एंड पे जो है वो इसकी ट्रांसलेट चल रही हो, आपको पता हो आप परवरदिगार से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के असेंडेंट में लग रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्यारगान का इज्तिमा है, सन मून जुपिटर सैटर्न केतु प्लूटो ये तमाम जो हैं वो एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और इस वक्त जो है वो जुपिटर तो ग्रुप की हालत में भी होगा और हबूत में भी होगा, इसके अलावा मरकरी भी ग्रुप की हालत में और कमर भी ग्रुप की हालत में, लेकिन बाकी जो हैं वो अपनी पोजीशन में सस्टेन होंगे। तो यहाँ पे शम्स का जो हबूत है वो आपके लिए बहुत अहम, आठवां घर आपके का हाकिम है और असेंडेंट में जो है वो नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि मैंने जेमिनाइज वालों को बताया था कि आपके आठवें घर में हो रहा है, आपके आठवें घर का हाकिम है और फर्स्ट में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये आपकी इज्जत वकार को डैमेज कर सकता है, किसी किस्म का कोई ब्लेम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है, आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरीज जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। इसके अलावा आठवां घर आपके विरासती मामलात, आपके मुश्तरका माली मामलात अगर पार्टनरशिप में काम करें उसको डैमेज करेगा। इसके अलावा आठवां घर किसी भी जायचे का नाजुक तरीन जो प्लेस होता है ये वो होता है, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना है, आपके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है, इस टाइम को नोट कर लीजिएगा जो कि मैंने बताया सुबह 7:29 से दोपहर 1:05 तक जो है ये चलेगा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप इस ड्यूरेशन में अपना बहुत ख्याल करें, और इसके अलावा आपने नमाज कसूफ वसूफ अदा करनी है, मैं आपको सदका भी बताऊँगा वो आपने करना है, और इसके अलावा सूरह आराफ आयत नंबर 89 यानी 99 इसको कहेंगे हम 99 एक कम 90 जिसको कहते हैं, ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी होगा। फिर मैं कहूँगा ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्वेरियस की ये 7th और उसका जो है लॉर्ड है और जायचे के 12th हाउस में जो है इसकी इसको ग्रहण हो रहा है। 7th हाउस आपकी अजदवाजी ज़िंदगी है, शरीक हयात है, शरीक हयात के साथ तल्लुकात है, आपकी शराकतदारी है, कोई भी चीज़ अगर आप जॉइंट एडवेंचर में करें कोई भी मिल के जहाँ पर इश्तराक आता है वो शराकतदारी में आता है, तो ये भी आपकी इसी से मुतलिक है। इसके अलावा जायचे का 12वां घर जो है वो आपके बैरून मुल्क क्याम है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन है आपकी, इसके अलावा आपके कुछ सडन होने वाले अखराजात हैं और जैसे कई बार नुकसान हो जाते हैं, तो ये जायचे के 12वें पार्ट में हम जो है इसको देखते हैं। तो आपके लिए नमाज और सदक़े के अलावा सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 और 64 दोनों, सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 और 64 कम से कम एक तस्बीह वर्द करना आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखें। पाइसिस के ये 6th घर का जो है वो हाकिम है सन, और 11th हाउस में जो है इसको ग्रहण लग रहा है। 6th घर जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपकी सेहत है, आपके मुलाजमीन है और आपकी जॉब है, तो इसकी बहुत अहमियत है। आप सबसे ज़्यादा अहम आपकी सेहत है, क्योंकि जान है तो जहान है, तो आपने लाजमी इस वक्त सदका देना है। इन अयाम में जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा, ना स्विच कीजिएगा, अपने मुलाजमीन पे थोड़ी सी आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता आपको उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी लक है और आपके बिज़नेस जो मैटर्स हैं उसमें से होने वाली प्रॉफिट और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 11वें घर से हम देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें खुदा ना खास्ता आपकी जो है मुतासिर हो सकती हैं, तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा जो दीगर ममालिक में जो लोग रहते हैं हमारे जो मेरे चैनल को फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान में मैंने आपको टाइम बताया सुबह 7:29 पर होगा, सऊदी अरब में ये सुबह 4:29 पे स्टार्ट होगा, ईरान में 5:59 पे 5:59 पे स्टार्ट होगा, और यूके में ये अर्ली मॉर्निंग
2 AM टू 29 AM यानी सुबह 2:29 पे ये स्टार्ट हो जाएगा, और UAE में ये जो है सुबह 2 UK में ये जी सुबह 2:00 और UAE में सुबह 5:29 पे ये स्टार्ट होगा। USA में जो है ये चूँकि बिफोर टाइम है तो ये 25 दिसंबर को होगा, ये जहन में रखिएगा। USA में वाशिंगटन DC हो गया, फ्लोरिडा हो गया, कनाडा में भी और जर्मनी में भी ये जो है ये 25 को होगा और सुबह 8:29 पे USA में स्टार्ट होगा। वाशिंगटन DC में ये 9:29 पे स्टार्ट होगा, कनाडा में भी 9:29 जो है PM में, सॉरी फ्लोरिडा में ये PM का टाइम है और इसी तरह कनाडा में भी 9:29 PM है। इसके अलावा जर्मनी में भी ये 7:29 PM है, लेकिन 25 दिसंबर है ये, तो इस बात को आपको थोड़ा जहन में रखिएगा। इसके अलावा इटली में जो है इसका टाइम, सॉरी जर्मनी में इसका टाइम जो है वो 3:29 है सुबह, इटली में भी 3:29 ये अब जो है वो दोबारा 26 दिसंबर सुबह के टाइम जो है वो AM में चल गए। ऑस्ट्रेलिया 11:59 AM पे, कुवैत में 4:29 AM है, ओमान में जो है ये 5:29 AM है और फ्रांस में ये 3:29 AM पे स्टार्ट होगा। स्पेन में इसी तरह जो है ये भी 3:29 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। कतर में 4:29 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। मलाइशिया में ये 10:29 AM पे स्टार्ट होगा, यानी हमारे पास सुबह ये स्टार्ट होगा तो मलाइशिया में ये जब ये कि हमारे पास पाकिस्तान में पूरे रूज पे होगा तो सुबह 10:29 पे स्टार्ट होगा। साउथ अफ्रीका में 3:29 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। हांगकांग में ये सुबह 10:29 यानी 10:29 पे ये स्टार्ट होगा। इंडिया में 7:59 पर ये स्टार्ट हो जाएगा जी, और बांग्लादेश में 8:29 पे स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश के कायरीन से कहूँगा आपने कुल दोहरानी है जब इसका पूछना होगा, तो इसमें आप खुद 5 घंटे और तकरीबन 35 मिनट ऐड कर लेंगे तो आपका एंड टाइम जो है वो भी निकल आएगा। इसके बाद नीदरलैंड में भी जो है ये 3:29 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। तमाम ममालिक के जितने भी मेरे व्यूवरशिप्स हैं, इसके अलावा जो दीगर ममालिक में देखा जा रहा है, आपके लिए सिंपल कुलिया है कि आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को देखिए और उसके मुताबिक उसमें आप अपने, अगर आप आगे हैं तो प्लस कीजिए, अगर आप पीछे हैं तो माइनस कीजिए, उसमें टाइम तो टाइम आपका ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट निकल आएगी। अब मैं आपको इससे बचाव के लिए सदका जो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। चूँकि ये शमसी ग्रहण है तो इसके असरात बड़े डिफरेंट होने हैं, क्योंकि इजतमाई सियारगन भी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ थोड़ी सी इजनास मिक्स जो हैं वो, जैसे 7 दालें मिला के जो है वो सदका, कोई भी 7 दालें जो है मिला ली जाती हैं उसमें, वो काले माश भी आते हैं, इसके अलावा आपकी दाल मसूर आती है, मूंग की दाल आती है, तमाम 7 इजनास मिला के आप सदका दें बहुत अच्छा है। अगर आप ये ना कर सकते हो तो हस्बे तौफीक 10 किलो या 1 किलो गंदम का सदका दीजिए, या ये जहन में रखिए मैं या बता रहा हूँ, या आप इसकी जगह बाजरा जो है वो परिंदों जानवरों को जो है वो डाल सकते हैं। कम से कम आपने 1 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो जो है आप डाल सकते हैं। ये एक फर्द का सदका है। अगर आप ये अफोर्ड न करते हो तो आप हस्बे तौफीक भी डाल सकते हैं। जहन में रखिए अगर ख़ानदान के अफराद ज़्यादा हैं तो आप जो है ज़्यादा सदका देंगे। यहाँ पर बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के सवाल भी जो है सम टाइम आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी इतने पैसे किसी और को दे दें। देखें, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने दवाई की जगह पैसे मुंह में डाली हो, ठीक हो गए हो? परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, जिसको मर्जी पैसे दीजिए, लेकिन ये वक्त जो है ये जिन्स के सदक़े का है, इसको देना बेहतर है। जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम लोग हैं अक्सर उनके पास पाबंदियाँ होती हैं, UAE में भी होती हैं, USA वगैरह में भी होती हैं, कि आप बाहर इजलास नहीं डाल सकते, तो आप अपने पाकिस्तानी अजीज़ो कारब को जो है वो कह सकते हैं कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके ब्याह पे वो सदका दे सकते हैं। इस सदका देने का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी एक फ़र्द किसी भी फ़र्द का या अफराद का जो है वो सदका दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो है वो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको फ्राहम की ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरे चैनल पर जो है
वो वीडियो मौजूद है इस वीडियो के एंड पे, उनके लिए एहतियाती तदाबीर का लिंक आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, बिल्कुल एंड पे आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि प्रेग्नेंट ख्वातीन को जो है वो क्या एहतियात जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल एंड पे कहूँगा, कोशिश करता हूँ हर बार कि कुछ आपके लिए बेहतर से बेहतर एफर्ट कर सकूँ। मेरी ये कोशिश आपको कितनी बेहतर लगी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त दीर्घ वीडियोज़ भी जो हैं वो मिलती रहें। मेरे दोनों चैनल्स रज़ा जावा और शेख जवाहर रज़ा जावा, इनके तमाम व्यूवर्स के लिए ये चीज़ जो है मैं कोशिश करता हूँ देने की, बार बार आप लोगों को वार्न करने का यही मकसद होता है। ग्रहण नुकसानदेह होता है लेकिन इससे डरना नहीं, बचना है, हिफाजत करनी है, आपने एहतियात करनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर वक्त दो रकअत नमाज़े कसूफ अदा कीजिए, यह सदका दीजिए और जो मैंने आपको ख़ास विरत वज़ाइफ जो मैंने बताए हैं अगर आप उनको भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप परवरदिगार की अमान में होंगे। ग्रहणों से महफूज रहिए, मैं आपके लिए हर वक्त जो है वो दुआओं का तलबगार हूँ। मुझे, मेरी मीडिया टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।